Hello friends, in previous part we have studied about the different characterization, different features of the animal kingdom. What we have left only one features that should be, that is very important, which we have left, body smell. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं जो हमने पहले फीचर लिखते हुए उनका हैबिटेट क्या है, सीलम्स कंटेन है या नहीं है, जर्म सेल कितनी है, डाइप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उनके अंदर कैविटी प्रेजेंट है नहीं है, वो डाइजेशन कैसा है, डेवलपमेंट कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये चीज़ें पढ़ी है। उसके साथ साथ हमने ये चीज़ भी चेक करनी है कि उनका बॉडी जो डिज़ाइन है, बॉडी जो फीचर्स है वो किस प्रकार से है, सिमेट्री है, सिमेट्री है तो किस प्रकार का, दो प्रकार का सिमेट्री होते हैं। एक तो होता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब इफ यू कट द ऑर्गेनिज्म थ्रू द सेंटर, लेफ्ट पोर्शन इज इक्वल टू राइट पोर्शन, यदि हमारे को सेंटर से काटते हैं हमारा राइट पोर्शन जो उतना ही लेफ्ट पोर्शन है, दैट इज अ बायलैटरल सिमेट्री। एक होता है रेडियल सिमेट्री, मतलब वो स्पेरिकल है, स्पेरिकल के सेंटर से कोई चीज पास आउट करते सभी सेंटर से आर डिस्टेंस आउटर सरफेस तक रेडियल, मतलब रेडियस कंटेंट है, तो वो रेडियल सिमेट्री है। वन मोर फीचर्स बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म is symmetry or not? If symmetry है तो कितने प्रकार की, two types. If the body is symmetry, then it is two types. कितने प्रकार की, दो, कौन कौन सी, रेडियल सिमेट्री करती है। इफ वी पास द सॉलिड थिंग थ्रू द सेंटर, यदि हम कोई ऑर्गेनिज्म के सेंटर से कोई सॉलिड थिंग को पास आउट कर दें, इफ द ऑल द डिस्टेंसेस, यानी सेंटर से जहां से आपने पास आउट किया सॉलिड थिंग से, वहां से ऑल डिस्टेंस फ्रॉम आउटर लेयर इज इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, एंड ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल, then that is called radial symmetry, radial symmetry, clear? एक तो radial symmetry भी हो सकता है और दूसरा कौन सकता है, bilateral symmetry, second one is bilateral symmetry. Means if we cut the organism from the center, center से cut off कर दें, लेफ्ट पोर्शन इज इक्वल टू द राइट पोर्शन, इफ वी कट एनी ऑर्गेनिज्म थ्रू सेंटर, द लेफ्ट हाफ इज इक्वल टू द राइट हाफ, जरूरी कि लेफ्ट ही राइट को, राइट भी तो लेफ्ट की हो सकता है, यदि किसी ऑर्गेनिज्म को कट सेंटर से कट ऑफ करते हैं, राइट पोर्शन जो है वो लेफ्ट पोर्शन के इक्वल है, लेफ्ट हाफ जो है और राइट हाफ के इक्वल है, देन दैट इज कॉल्ड अ बायलैटरल सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। और यदि कहीं से भी बॉडीज सिमिलर नहीं है, कहीं से बॉडी इक्वल नहीं है, देन दैट इज कॉल्ड एसिमेट्री। और इफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म नॉट इक्वल टू एनी पार्ट्स या एनी प्लेस, कहीं से भी किसी ऑर्गेनिज्म की
बॉडी इक्वल नहीं है, देन दैट ऑर्गेनिज्म इज या हैज एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल कह सकते हैं बॉडी। तो उनके बॉडी कैसी है? एसिमेट्रिकल। क्लियर। अब डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं जिनके बारे में वी विल डिस्कस नाउ। फर्स्टली इज पोरीफेरा। पोरीफेरा एनिमल किंगडम में आते हैं। फर्स्ट पोरीफेरा जो है, पहली बात तो पोरीफेरा नेम क्यों ऐसा, पोरीफेरा पूरी बॉडी के ऊपर इनके पोर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पोरीफेरा नाम है। कहाँ पाए जाते हैं? इनका हैबिटेट है एक्वेटिक, यानी पानी में पाए जाते हैं। अब पानी में कौन से? दोनों प्रकार के वाटर के अंदर, एक्वेटिक मतलब फ्रेश वाटर में भी है जैसे कि स्पॉन्जिला है, और मैराइन वाटर के अंदर भी जैसे कि स्पंज है, या आपका स्पंज कह सकते हैं, साइगोन कह सकते हैं। तो फर्स्टली वी डिस्कस ऑन पोरीफेरा। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स विच फाउंड इन वाटर, फाउंड इन वाटर मीन्स कैसे हो गया, इनका हैबिटेट क्या हो गया? एक्वेटिक, फ्रेश, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं जैसे कि स्पॉन्जिला एंड मैराइन वाटर, और ये साल्टी वाटर में कंटेन होते हैं जैसे कि साइफोन, स्पॉन्ज। पहली बात उनके हैबिटेट पर। दीज एनिमल कंटेन पोर्स, या दीज एनिमल्स बियर्स पोर ऑल ऑफ द बॉडी, सो दीज आर नोन एज पोरीफेरा। दीज ऑर्गेनिज्म या दीज एनिमल्स बियर पोर, होल कह सकते हैं, पोर्स कह सकते हैं, पोर्स या होल्स ऑल ओवर द बॉडी, सो दे आर कॉल्ड पोरीफेरा एनिमल। ये ऑर्गेनिज्म कहीं मूवमेंट नहीं करते, ये एक किसी नीचे जमीन से सॉलिड स्पोर्ट से अटैच रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते, और जिस सॉलिड स्पोर्ट से अटैच रहते हैं उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम। दीज एनिमल्स डू नॉट मूव, दे अटैच्ड विद ए सॉलिड स्पोर्ट, यानी किसी सॉलिड स्पोर्ट नीचे मजबूती से चिपके रहते हैं, उस सॉलिड स्पोर्ट को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम, ब्रैकेट में सब सॉलिड स्पोर्ट के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? सबस्ट्रेटम, मतलब दिस दैट सॉलिड स्पोर्ट इज नोन एज सबस्ट्रेटम। देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी, ओनली कैनल सिस्टम होता है जिसके द्वारा वाटर, फूड एंड और गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। द कैनल सिस्टम फॉर द कैनल सिस्टम प्रेजेंट इन दीज और एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, दे हैव ओनली सिंगल ओपनिंग, उसी से गेन करते उसी से बाहर निकाल देते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन कंटिन्यू होता है। द बॉडी of these animals not या is not well differentiated, मतलब इनके बॉडी को विशेष प्रकार से
वेल डिफ्रेंशिएटेड, अलग अलग ऑर्गन के अंदर नहीं बटी होती है। तो ये जो ऑर्गन है सिंपल कंटेन्ड होते हैं, इनके बाहर जो होता है एक हार्ड लेयर प्रेजेंट होती है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द आउटर लेयर ऑफ दीज एनिमल्स वेरी हार्ड इज वेरी हार्ड विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देयर इज नो स्पेशल बॉडी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट, इनके बाहर आउटर लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि किसी प्रकार का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर कोई ऑपोजिट बैड इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, साइकोन एंड स्पंज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पोरीफेरास। यू हैव टू ड्रा द डायग्राम ऑफ एनी ऑफ वन दीज ऑर्गेनिज्म विच इज गिवन इन यूर एनसीईआरटी बुक। क्लियर, ये चीजें नोट कर लेना कि किस वे से वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किस प्रकार से बॉडी प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसा वेल डिफाइंड बॉडी डिजाइन है या नहीं है। और दूसरा, इनकी बॉडी कहीं से भी इक्वल नहीं होती तो बॉडी क्या लिखेंगे आप, एसिमेट्री। दीज आर, आप साथ में जोड़ सकते हैं, दीज दे हैव द एसिमेट्री बॉडी डिजाइन, यहां जोड़ सकते हैं, दे हैव द एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल बॉडी डिजाइन। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये फीचर ओनली पॉलीफेरा लिखना है, उतनी ये फीचर लिखने हैं। और हर किसी टॉपिक के बाद, हर किसी फाइलम के बाद आपने एक तो कम से कम डायग्राम बनाना जो आपने नेम दिया है, तीन नेम दिए जैसे स्पॉन्जिला है, साइकोन है, स्पंज है। आपकी बुक के अंदर स्पॉन्जिला और साइकोन दोनों का डायग्राम दिखा रखा है, यूकेप्लेटस भी होता है तो आप छोड़ दीजिए, वो भी इसके एग्जाम्पल जैसे यूकेप्लेटस। आप तीन चार जो भी आपने एग्जाम्पल देखे उनमें से किसी एक का डायग्राम बनाना है। क्लियर,